बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 13.1 शॉर्ट क्वेश्चन है जी। अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब वो कह रहा है कि हमने कॉपर वायर के दोनों एंड्स के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई किया हुआ है, तो दो चीज़ें हमें बताएगा। नंबर वन पर बता रहा है जी इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, और डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर, और अगर आप वायर की लेंथ और उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जिक्र हमने इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक में किया था, करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर्स। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन भी आपको लिखी हुई नजर आ रही है। द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इट गेन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, के जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में अपनी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन करता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लें जी, वी डी, डी सबस्क्रिप्ट में लिखा गया जिसका मतलब है ड्रिफ्ट, इज इक्वल टू आई ओवर एन ई ए। इसमें आई जो है वो करंट है, एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई जो है वो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, और ए जो है वो सरफेस एरिया है। अब आई की जगह पे ओम्स लॉ को इस्तेमाल करते हो, आप वी ओवर आर लिख सकते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा वी डी इज इक्वल टू वी ओवर एन ई ए आर। अब अगर आप यहाँ से गौर करें तो मैं लिख सकता हूँ कि जी मेरे पास जो वी डी है डैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और मैं लिख सकता हूँ कि वी डी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसका मतलब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को इनक्रीज़ करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और अगर आप उसकी लेंथ को और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस कम होगी तो फिर दोबारा से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये आपको इस तरह से बता देंगे। सेकंड वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है जी बहुत इंपॉर्टेंट है, डू बेंड्स इन द वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन। कि वायर के अंदर जो बेंड्स होते हैं क्या वो उस वायर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर है नो। बेंड्स बेटे जब तक वायर की लेंथ को और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज नहीं करेंगे तो वायर की रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करेंगे। मज़ीद उसने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बता दिया है, रो एल ओवर ए। तो चूँकि बेंड्स जो है वो ना लेंथ को चेंज कर रहे हैं और ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज कर रहे हैं, तो बेंड से वायर की रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप अंडरस्टैंड करके इनके आंसर लिख के मुझे पिक्चर्स असाइनमेंट के तौर पर सेंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।